شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا <applause> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف أصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رادراني إسلام واجب الاحترام بزرق دوستو عزيز ساتيو लायक एहतराम माओ और बहनों अल्ला तबारक व तालतहा फ़जलान कि उसने हनी मुबारक की इन रातों में उसके दिन को समझने और उसके दीन पर अमल करने के शौक जसबी से जमा फरमाया कितनी ही तेज़ी के साथ रमजान के रातें गुज़र रही हैं आप देखिए ऐसे लगता था कि अभी पहली रात आई लेकिन आप छठी रात गुज़र चुकी है तो किस तरह तेज़ी के साथ ये दिन गुज़रते हैं और फिर बाकी रह जाते हैं हसरतें ही हसरतें जो कुछ पा लेता है वो पा लेता है जो महरूम होता है वो महरूम ही होता है वक्त का काम ही गुज़रना वो तो गुज़र जाता है ख़ातु कुछ अच्छा करो खातु कुछ बुरा करो वो तो गुज़र जाता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात वो है कि इंसान मतनवे हो जाए पहले ही सैरी करे और इस वक्त को अल्लाह के कर्ब की तलाश में ज्यादा से ज़्यादा सर्फ करे अगर न भी करेगा तो वक्त तो गुजर ही जाएगा और पता नहीं अगली ज़िंदगी में किस किस का रमज़ान मुकद्दर है किस किस का ये आखिरी रमज़ान है अल्लाह बेहतर जानता है तो मुसलमानों के खैरात के कामों में सबकत अलखैरा नक कामों में अच्छे कामों में हर एक काम जो अल्लाह के कुर की तलाश में हो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो क्योंकि रमलानमारक जिस अंदाज से आता है बड़ा ही तेरह ग्यारह महीने के इंतज़ार से आता है लेकिन इतने इंतज़ार से जाता नहीं है बहुत तेज़ी से चला जाता है तो इसकी जिसने क़दर की वो क़दर की जो महरूम रहा वो महरूम रहा तो गर्स के ख़िलाफ़त राशिदा के तीस साल के मौजू पे आज हमारी रात छठवीं रात है और ख़िलाफ़त राशिदा का छठवा साल है और हजरत नबी का सोलहवा साल है तो हजरत नबी अलैहि वसल्लम की तरतीबे सोलह साल के वाकयात में बहुत से वाकयात हुए मैं सिर्फ़ उन वाकयात के तरफ तोज़ह देता हूँ और आप लोगों को सुनाता हूँ जिसके अंदर हमारे लिए मोज़त भी हो और एक क़ा भी मिल जाए और उसके साथ साथ हमारी तरबियत भी हो जाए वरना तो एक, एक साल में अलग अलग वाकियात हर एक की तयन के साथ की जाए तो तकरीबन हमें पूरी रात गुजारने पर भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी तफसीली तौर पर लोगों ने लिखा है मेहनती की हैं जिल्दों के अंदर मौजूद हैं तारीख़ इस्लाम की किताबें मैं उसका एक अलिफ़ आपको इब्तदा करके छोड़ रहा हूँ फिर जिस जिस का शौक़ पैदा हो जाए जिस जिस के अंदर अपनी तारीख़ को जानने के लिए ओ पैदा हो जाए फिर वो किताबें पढ़े फिर इस राह का तालब इलम बने तो इंसान ठोकरे खाने से महफूज हो जाएगा तारीख़ हमें बताती है कि कब क्या करना है कब कैसे ठोकरें खाए हैं और कब कैसे लोग सुधरे हैं ये तमाम चीज़ें तारीख़ से हमें मालूम होती हैं जो कौम अपनी तारीख को याद नहीं रखती वो कौम बहुत जल्द अपनी तारीख भी खो देती है तो इस हैसियत से मैं जो चीज़ बयान कर रहा हूँ वो बहुत ही अहम और उन वाकियात की तरफ तो है मेरी जिनके अंदर हमें नसीहत और औरत है तो जिस तरह सोलह साल शुरू हुआ तो सबसे अहम चीज जो हुई थी मैंने बताया था कि रूम ईरान दो सुपर पावर थे और सिद्दीक अकबर की खिलाफत के साथ ही इन दोनों के अंदर मुसलमानों ने इस्लाम पहुंचाने के जज्बे के साथ एंटर हुए तो उनको दो तरह के लोग मिले एक वो जो या तो मसालहत किए अपनी शर्तों को कबूल किए या कर अपनी शराइ रख के कबूल करवा लिए दूसरे वो हड्डरम लोग थे जिन्होंने अपनी ताकत के बल बोते पर और अपनी अना के बल बोते पर सल्लल्लाहु रसोल्ला वसम से टक्कर ली और ये टक्कर आखिरकार क्या है उनकी आखिरत तो पहले ही ख़राब हो चुकी थी लेकिन उनकी दुनिया भी बर्बाद होकर रह गई जब तक दीन इस्लाम इस्लाम के लिए जान देने वाले मौजूद थे इस्लाम पर सही अमल करने वाले मौजूद थे अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें सर बुलंद रखा कभी नीच होने नहीं दिया बल्कि हमेशा जहां भी गए अल्लाह तआला ने फतह से नवाज़ा लेकिन जैसे जैसे हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर गिरावट हुई हम दीन से दूर हुए और हमारे अंदर क्या हैं वो एत तब्दील हुए जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए थे तो फिर हमारी भी मगलूबियत की दास्तान उठी यहाँ तक कि क्या है ऐसे ऐसे मौाक़े पेश आए कि हम उम्मत मुस्लिमा सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ये दुनिया के कायम रहने तक कायम भी हो सकती है फिर अल्लाह ने मदद की फिर उठाया तारीख पढ़िए ऊंच नीच हमें नज़र आएगी कि एक ज़माना 600 सौ हिजरी का था जहाँ पर क्या है बगदाद की इींट से इीट बजा दी गई चंगीज़ ख़ान ने वहाँ का जो सबसे आखिरी खलीफा था मतसम बिल्ला अपने घोड़ों तले राउंड डाला था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि फिर इसके बाद कोई खिलाफत कायम होगी लेकिन अल्लाह ने उन्हीं लोगों के दिलों में इस्लाम डाल दिया जो आए थे चंगीज़ ख़ान के तुर्क वही तुर्क की स्मानी बने फिर स्मानी खिलाफत तकरीबन बारह साल तक चलती रही बारह साल Like, लेकिन फिर इसके बाद हमारा जवाल आया तो आज भी यही कंडीशन है एक जवालिया कंडीशन है जो हम देखते हैं लेकिन ये नहीं कि इससे पहले हम यहाँ पर भी नहीं थे बल्कि हम अगर देखेंगे तो अठारह के करीब के ज़माने तक भी हमारे अंदर बादशाहतें थी लेकिन वही हुआ कि हमारी नालायकी की वजह से अल्लाह ने वो भी छीन लिया यहाँ के अंग्रेज़ों ने ख़ुद बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून में क़ैद किया और उन्होंने भी दरअसल ऐसे ही सज़ा दी कि उसको कबर की जगह भी हिंदुस्तान में ना मिल सकी वो लोग भी क्या घोड़ों के समोतले राउंड डाला और खुद उसके दोनों बेटों के सरों को कतल करके उसको तश के तौर पर तश में उसको पेश किया कि ये ले तेरी अपनी हुकूमत तेरी आने वाली नस्ल भी तेरी हुकूमत नहीं संभालेगी वे कुछ हमारे ऊपर गुजरा है और ज्यादा देर भी नहीं गुजरी है अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे और इस हैसियत से अल्लाह तबारक व तहल बनेंगे तो अल्लाह तबारक तआला फिर वो ज़िंदगी वापस लाएगा ये हमारा नहीं अल्लाह तबारक व वा तआला का वादा है लेकिन हम सोचते भी नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो गर्ज़ के मैं बयान कर रहा था सोलह हजरी के शुरू में इधर भी फतह शाम भी फतह और दो तरफ़ा दो अलग अलग दस्ते दो अलग अलग फ़ौजें थी जो आगे बढ़ रहे थे और बड़े बड़े सल्तनतें दोनों ईरान हो या रूम हो बहुत कदीम सल्तनतें थीं और उस हैसियत से कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग भी कभी क्या होंगे शिकस्त खा सकते हैं हार हो सकती है अल्लाह तबारक ने इनकी मामूली तदाद किसी के पास क्या थी पंद्रह हज़ार फ़ौज थी किसी के पास क्या थे अठारह हज़ार फ़ौज थी और मुकाबले में दो लाख थे कभी तीन लाख थे कभी हिरकुलसात था लेकिन दोनों जगहों पे अल्लाह तबारक ने फतह दिया इस तेज़ी के साथ कि हम पंद्रहवें साल में पढ़ चुके हैं कि ईरान का जो पार्लियामेंट था अल्लाह ने कब्ज़े में दे दिया मदायन मदा के जो कुछ भी फतूहत का माल गनीमत आया वो तो जितने कुछ सिपाही थे उनमें तकसीम तो हुआ पाँच हिस्से किए जाते चार हिस्से तकसीम पाँचवा हिस्सा जो मदीना पहुँचा वो खुद इतना बड़ा था कि मदीने वाले देख के परेशान हो गए हती कि उसके अंदर किसरा का पहनने का क्या है वो ताज था उसके कंगन थे और उसके साथ साथ उसका लिबास था उसका जोड़ा था उसके जूते थे उसके कमरबंद हर चीज़ जो भी बड़ी निशानी के तौर पे थी हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने दे के भेज दिया खिलाफत को और जब वो मजहबी में आई तो उमर यूँ नज़र डालने लगे ऊंचा था शाही ख़ानदान का था किसरा का लिबास था तो वो भी ऊंचा था तो यूँ नजर डालने लगे कि ये लिबास किस पे फिट आएगा वहाँ एक थे सुराका, ये वही साहबी थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत किए तो उस वक्त आड़े आए थे और अल्लाह के रसूल को गिरफ्तार करने की नीयत से भागे थे तो अल्लाह तबारक ने उनके पाओ को पकड़ लिया और उनका घोड़ा धस गया ये दो तीन मरतबा हुआ तो वो खुद पनाह मांगने लगे अल्लाह के रसूल आप गालिब रहेंगे जब गालिब आएंगे तो तब मुझे अमान दे देना तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के अमान दे दिए बाद में आगे चल के इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने कहा कि सराखा क्या ज़माना होगा वो ज़माना भी आज तो मुझे पकड़ने के लिए आया है कल तेरे हाथों में किसरा के कंगन होंगे और लिबास पहनेगा तो ये दरअसल उन्हें अजीब सा लगा लेकिन रसूल की पेशन गोई थी तो रिवायतों में आता है कि उस वक्त सुराखा मौजूद थे जब अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्म के खलीफा हजरत उमर ने इधर उधर देखा तो सुराखा को बुलवाया कहा कि ये लिबास तुम पहनो जब वो पहन लिए पूरा लिबास तो ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के लिए बनाया गया है फिट लिबास था बिल्कुल तो कहा कि चलो यूँ आगे आओ लोगों को दिखाओ फिर यूँ पीछे जाओ लोगों को दिखाओ फिर इसके बाद कहा उस अल्लाह की शान देखो मेरे नबी का कौल देखो कैसे सच्चा कर दिखाया है कि अरब का एक बद्दू एक बिल्कुल गांव में रहने वाला आज किसरा के कपड़े पहने हुए हमारे सामने मौजूद है और ये किसरा कोई रोकने वाला हम ही नहीं है अल्लाह तबारक व ताली ने सच कर दिखाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी सच होकर रही फिर इसके बाद वो पूरा साजो सामान जिस तरह किसरा बैठता था हैसियत से उनके ऊपर ताज और वो चीज़ें रखी गई तो ऐसे लग रहा था कि गोया उन्हीं के लिए बनाई गई हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई पूरी हो गई जो कि अल्लाह के, के रसूल ने फरमाया कि मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ तो ये चीज़ एक अरब का बद्दू था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मजदाक बना फिर इसके बाद उमर को मालूम हुआ कि इधर रूम के अंदर भी अल्लाह ने बड़ी फतहें दी हैं और रूम के अंदर जो सिप सालार थे इधर का मामला साद इब्न अबी वक्कास के पास था और यही सिप सालार थे और इधर रूम के अंदर जो कुछ भी लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ पर अबू उबैदा पहले खालिद वलीद थे हजरत उमर आए तो सो, सोचा कि खालिद वलीद के नाम पर लोग ये समझने लगे हैं कि फतह हो जाएगी तो अकीदा बिगड़ रहा है तो हज़रत इब्नुल जर्राह जो कि अशरा मुबशर के अंदर हैं उन्हीं को पूरे अफवाज का सिपह सालार बनाया और खालिद वलीद को कहा कि देखो तुम्हारे से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है और उन्होंने भी कहा कि अय खलीफ़तुलमसलमिन आप मुझे सिपाही रखें आप मुझे अदना सिपाही करें आप मुझे मैनेजर बनाए आप मुझे जनरल बनाए मैं इस्लाम की खिदमत करने के लिए आया हूँ मैं मेरा जाती मफाद नहीं है मैं उसी वक्त वैसे ही लड़ूंगा जैसे मैं कमांडर होते हुए लड़ता हूँ जब मैं अदनासा सिपाही रहूंगा तो दोनों में कोई रंजिश नहीं हुई हालांकि वो सिपह सालार थे और थे भी अपने जात के लिहाज से मुस्तक लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये दरअसल मुसलमानों के अक़ीदे में कुछ खराबी हो रही है ये सोचते हैं कि फतह उस वक्त होती है जब खालिद हमारे साथ होते हैं तो इस हैसियत से उन्होंने उन्हें आम सिपाही बना दिया और अबू अबैद इब्दाजल्लाह को पूरे सिपह सालार का पूरी फ़ौज का सिपह सालार बना दिया फिर इसके बाद दिमश भी फ़तः हो गया दिमश आज का डेमास जिसे कहते हैं शाम जिसे कहते हैं ये दरअसल आज जो है वह बहुत मख्तसर तटकड़ा है उस जमाने का जमश था वह बहुत बड़ा था और ये दरअसल यूं समझिए कि रूम का वो दरवाज़ा था जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि कादेसिया दरवाज़ा है इसी तरह यह भी रूम का दरवाज़ा और बहुत अहम शहरों में से एक शहर था और इसमें जब यह फ़तह हुआ तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि अब बहुत जल्द दूर नहीं है कि हम ही क्या है इनका सबसे अहम जो किबला है बैतुलमकद्दस हम वहाँ तक पहुँचेंगे यह उनका क्या है मरकज़ था इस तरह हमारा काबातुल्लाह है उस तरह उन लोगों के लिए रूमियों के लिए ये क्या है क़िबला भी था और सबसे मुअज़्ज़ज़ मुकाम भी था तो वहाँ तक ये अबू उबैदा अपने लश्करों को आगे ले गए और वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या किया कि मुहासरा कर लिया सराउंडिंग फ़ौजें बिठा दी और उसके बाद इस्लाम की दावत दी कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हम चले जाते हैं अगर नहीं तो सुलह कर लो अगर नहीं तो तलवार फैसला करेगी और वहाँ जज्बातियात के साथ मामला मजहबी भी था तो वहाँ के पादरियों ने जो कुछ आवाम थी उनको खूब भड़काया और बड़े ज़बरदस्त तैयारियों के साथ वो भी बैठ गए और इधर असहाब रसोल्ला वल् जी मुहासरा करके बैठ गए हत्या कि उन्होंने देखा कि दो तीन लड़ाइयाँ छोटी मोटी घुबी जिसमें ये लोग शिकस्त खाए तो ये लोग जान लिए कि जो लोग मदा फ़तः कर लिए हैं ये फतह करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी तो वहाँ के जो बड़े बड़े पादरी वो सब मिल बैठे एक जमात के शक्ल में और फैसले किए कि क्या करना चाहिए हमारा तो कोई बादशाह अब नहीं है हिरकुल तो उस वक्त वहाँ था यहाँ नहीं था बैतुल बैतुलमकद में नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि तय किया कि ये मुसलमानों के हवाले हम कर देंगे सुलह कर लेंगे इस बात पर कि हमें क्या है आज़ादी दे दी जाए तो लेकिन उन्होंने सुलह में ये शर्त रख दी कि तुम्हारा खलीफा खुद आए ये, ये उस वक्त का सबसे अजीब तर वाक़ा है उन्होंने कहा कि हम सिलाह करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम बैतुलमकद की चाबी उसके हाथ देंगे जो तुम्हारा खलीफा है अगर खलीफा आता है तो हम सिला करते हैं वरना तो हम जंग करने के लिए तैयार हैं अब वोदील्ला ने ख़त लिखा हज़रत उमर को कि वो लोग सिलाह करने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको सफ़र करके आना पड़ेगा आप जवाब दीजिए मुझे क्या कार्रवाई करनी है जब ये लेटर मदीन मनवरा पहुँचा तो अबाब रसूल सल्ला वसम को जमा किया जिनमें हज़रत अली भी थे हज़रत ऊस्मान बिन अफ़ान भी थे और बड़े बड़े और राय अब्दरमान बिन औफ भी थे सब को बुलाया देखिए एक उमर की फ़काहत कितनी बड़ी थी लेकिन मशवरे में बरकत होती है अल्ला के रसूल सल्हु वसलम ने अ के रसूल सल्ला वसम को भी अल्ला तबारक व त का हुक्म दिया जबकि वो मशवरे के महताज ही नहीं थे उन्हें डायरेक्ट वही आती थी लेकिन फरमाया कि वशाविर अमर पैदा अजम तब तवक् अल्लाह अल्ह के रसुल कुछ काम करना हो तो मशवरा कर लीजिए जब मशवरे में कोई बात डिसाइड हो गई फिर अल्लाह तवक् काम कीजिए काम मेजार्टी माइनरिटी पे नहीं चलेगा जो आज का सिस्टम है ना ये सबसे बर्बादी वाला सिस्टम है आज करते क्या है मशवरा करके भी क्या देखते हैं मेजार्टी में कौन है 50% परसेंट से ज्यादा कौन किस बात को मानते हैं वो काम हम करेंगे ऐसे नहीं है यूं समझिए कि 90% परसेंट पागल एक काम को फैसला कर लें कि करना है 10% परसेंट अक्लमंद उसको रोकना चाहेंगे तो आप मेजॉरिटी के नाम पे क्या है पागलों की बात मान लेंगे ये जमहूरीय पागलपन है जो कि हमारे अंदर चल रही है इस्लाम ये नहीं सिखाता इस्लाम ये सिखाता है कि तुम अहले जहन से मशवरा करो लेकिन उसके बाद इख्तियार मेजॉरिटी का नहीं है इख्तियार अमीर का है वो जो चाहे फैसला करे, वो जो बोलेगा हाँ वो एक की राय भी नहीं होगी उसमें तभी भी अमीर की बात मानी जाएगी एक की भी राय नहीं होगी सिस्टम ये बनाया मसलन चार फहश के और इसी तरह क्या है दूसरे बुराइयों के इस तरह के लोग नब्बे फीसद मिल जाएं और कहें कि हमें लिबास नहीं चाहिए हम नंगे रहना चाहें तो हिंदुस्तान का कानून बन जाएगा कि नंगे रहो क्योंकि मेजोरिटी नंगे रहना चाहती है भाई तो पागलपन हो रहा है हमारे यहां शराब हो रही है हमारे पास क्या है होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है किस नाम पे मेजोरिटी देखो मेजोरिटी देखो हिजड़ापन बढ़ रहा है मुखन्नस वहां वहां क्या है दन दनाते फिरते हैं ट्रेनों में कितना परेशान करते हैं हम ही पूछिए जो हम ट्रेनों में सफर करते हैं लेकिन मेजॉरिटी मेजॉरिटी से फैसला मेजॉरिटी से फैसला नहीं होता हाँ मशवरे का हुक्म अलग है लेकिन असल में अमीर के फैसले को माना जाए मशवरा अलग चीज है फैसला अलग चीज है फैसला अमीर देगा मशवरा सबसे करेगा अमीर को यह पाबंद करना कि तुम मेजॉरिटी का फैसला दो वरना हम नहीं मानेंगे यह पागलपन है यह अंग्रेज से दिया हुआ इस्लाम का दिया हुआ नहीं है आज हमारे भी बहुत सिक्के वो कमेटीज़ वो बोर्ड्स जो अगर इस्लामिक हैं उनके अंदर भी यही बात चलती है कि भाई देखिए अमीर को कोई इख्तियार नहीं मेजॉरिटी का अमीर मात मानेगा मेजॉरिटी नहीं होगी तो हम अमीर की बात भी नहीं मानेंगे तो मेजॉरिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मेजॉरिटी अगर पागलों की हो जाए तो क्या आप पागलपन को मान लेंगे मेजॉरिटी अगर लोग मुत्तफिक हो जाएंगे होमोसेक्सुअल शादी हो सकती है जैसा यूरोप में हुआ है तो कानून बन जाएगा कि मर्द मर्द शादी कर लेगा औरत औरत शादी कर लेगी कानून बन जाएगा यही तो हुआ मेजॉरिटी पे चलने वाले आज कानूनी तौर पर दस्तावेज देते हैं उन्हें मर्द मर्द आके रजिस्टर कर सकता है मैं शादी करके एक को मैं बीवी बना रहा हूं और उसको क्या है बाकायदा पोलिस मुहाफजत देती है ये अंधी मेजॉरिटी की वबाल है जो हम पे क्या है पड़ रहा है मशवरा और चीज है फैसला तो अमीर का है तो उन्होंने सबको बुलाया हजरत अफवान हजरत उस्मान बिन अफवान ने कहा कि ये लोग इस हद तक आ चुके हैं अगर आप ना भी जाए ना इनको चाबी देना ही पड़ेगी क्योंकि इनके पास अब लड़ने की पोजीशन है ही नहीं ये जान चुके हैं सिर्फ बात रखने के लिए ये क्या है आपको बुला रहे आप खा मकान इतना लंबा सफर क्यों करें यह और जलील हों छोड़े आप हज़रत अली ने कहा कि खलीफतलमसलिमिन मेरा ख्याल ये है कि आपको चले जाना चाहिए एक तो इससे फायदा होगा कि आप देख भी लेंगे वहाँ का माहौल क्या है दूसरा यह है कि एक जान भी अगर आपके जाने से बच जाए ना वो जान तो बच जाएगी अगर लड़ाई होगी कोई किसी की जान जाएगी तो लोगों की जान की हिफाजत इसके लिए आप चले जाएं तो बेहतर है तो हजरत अली का मशवरा हजरत उस्मान बिन अफान के मुकाबले में हजरत उमर ने कबूल किया यहां पर भी देखिए कितने खैर खां हैं और कैसे मुसलमानों की हिफाजत और अमन के लिए खलीफा सफर कर रहा है वरना उन्हें जाने का कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले ही मजबूर हो चुके थे उन्हें चाबी देनी ही थी लेकिन अगर कल के दिन एक लड़ाई और होती खा उसमें कोई मुसलमान शहीद ना होता तभी भी रूमी बहुत से कत्ल होते इंसानी अमन के नाते हजरत उमर ने ये सफ़र बर्दाश्त किया और सफ़र भी क्या था देखने का सफ़र था आज तक ना आसमान ने देखा था न जमीन में ऐसा चलने वाला कोई था कि आधी दुनिया की ममलकत का सरदार कैसे निकल रहा है एक ही एक घोड़ा है दो आदमी सफ़र के लिए ना हदम चशम ना खुदाम ना फला आ रहे हैं बैंड ना कुछ ना कोई क्या है उनके लिए पहले से क्या है प्रोटोकॉल कुछ नहीं आगे एक बग्गी पीछे एक बग्गी सामने एक क्या घोड़े का बहुत बड़ा लश्कर पीछे, नहीं एक ही घोड़ा एक गुलाम इनका एक उमर और वो भी कैसे बारी बारी सफ़र करने के बाद पे डिसाइड हो के निकल रहे हैं देखो मैं चलूँगा नीचे नकील पकड़ के और तुम ऊपर बैठोगे आका आका चलेगा गुलाम ऊपर बैठेगा जितना सफ़र तुम ऊपर बैठोगे और उतना सफ़र मैं फिर बैठूंगा तुम आगे चलना निस, निस हम बाँट के आगे चलेंगे और सिर्फ क्या पानी का एक छागल था और कहीं के तो खेमा था और उसके अलावा खाने के स्टन सूखे टुकड़े थे रोटियों के इसके अलावा कोई चीज़ नहीं ये कौन जा रहा है या उमर मर खत्ताब जा रहा है ये कौन जा रहा है खलीफ ऐसानी जा रहा है ये कौन जा रहा है जिसके नाम से खैसर और किसरा कांपते हैं ये कौन जा रहा है जिसके नाम के लिए बैतुल बैतुलमकद की चाबियां हवाले कर रहे हैं लेकिन अज्ज इनके सारी और मसावात और अपने आप में जो सही है जितना अल्लाह ने दिया है उस पर किनात करके जाने वाली ये शख्सियत यह उमर खत्ताब अखताब दुनिया ने ऐसा कोई सरदार कभी नहीं देखा ऐसा कोई बादशाह कभी नहीं देखा ऐसी ममलकत का बादशाह कोई नहीं देखा कि जिसके नाम से बड़ी बड़ी सल्तनतें क्या थर्राती हों लेकिन वो अकेला एक गुलाम के लेके निकला हो अल्लाह तवक्ल कोई हिफाजती दस्ता नहीं कोई आओ, आओ आओ बड़ो बड़ो हटो हटो के नारे नहीं वो सीधा अकेले पन से निकला है और अपने साथ एक गुलाम को लेके और कभी गुलाम सवार तो आका पैदल चल रहा है कभी आका सवार तो गुलाम पैदल चल रहा है एक पुराना जुब्बा है, है एक जो अबा के तौर पे डाले हुए हैं कोई उसके अंदर क्या है ऐसी चाशनी ऐसी कशिश नहीं है कि कोई देखते ही पहचान जाए कि खलीफा हैं हैं ये सफ़र सफ़र कर रहे हैं। बैतुल का रोज का रोज़ आए रात दिन कोई अलग से कहनी है ठंड से बचाव के लिए या गर्मी से बचाव के लिए अलग से साए के लिए उनको पकड़ने वाला कपड़ा नहीं है वो अपने आप में चल रहे हैं अल्लाह के ऊपर भरोसा है अपनी जान का कोई खतरा नहीं आगे बढ़ रहा है यहाँ तक के बैतुलमद के बिल्कुल करीब जाबिया नाम का एक ऐसी जगह थी जहाँ से क्या है बैतुलमदस को जाना था हजरत उमर ने पहले ही लिख दिया कि जितने भी अतराफ वकनाफ अकनाफ में मेरे तरफ़ से मुतन सरदार हैं या फौजी कमांडर हैं वो सब जाबिया में इस वक्त आके मुलाकात करें जब मैं पहुँचूँगा ताकि मैं देखूँ आप लोग कैसे हैं? तो जाबिया में उतरे जजीद बिन अबी सुफियान और इसी तरह अबू अबैदा इबन अजर्रा और इसी तरह खालिद इब्नुल वलीद एक एक करके सरदार पहुंचने लगे बहुत मदत बा मिल रहे थे जब जंग के लिए निकले थे सालों हो गए थे किसी को मिले हुए चार साल हो गया था किसी को मिले हुए तीन साल हो गया था किसी को मिले हुए पाँच साल हो गए हज़रतमर को देखा पाँच साल पहले जो शख्सियत को जैसे छोड़ आया था खलीफ़ा बनने के बाद वो शख्सियत वैसी ये कोई तब्दीली कोई दुनियादारी नज़र नहीं आती और इधर मामला ये था कि खालिद वलीद के लिबास में कुछ तब्दीली थी अब वबैदा जर्राह के लिबास में कुछ तब्दीली थी बिन अबी सुफियान के लिबास में कुछ तब्दीली थी जैसे ही हज़रतमर की नज़र पड़ी उनके जब्बे और उनके आबाएँ बेहतरीन अरबी तौर पर बेहतरीन जो लिबास होता है वो लिबास पहने हुए थे तो कंकरियाँ उठा ली हज़रतमर ने उनको मारने के लिए कंकरियां उठा ली और कहा कि तुम इतनी जल्दी बदल गए और अजमियों के लिबास इख्तियार कर लिए तुम्हें तो यह क्या जरूरत थी अल्लाह ने जो इज्जत दी है वह इस्लाम से दी है लिबास से नहीं है तो हजरत खालिद वलीद, हजरत अबोद जर्राह, एजीद बिन अबी सुफियान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन जल्दी ना कीजिए मारने में हम लिबास तो पे ही हैं लेकिन हम अरबियत नहीं भूले देखिए हमने अंदर तलवार रखी हुई है इस्लाम के लिए जान देने का वही अजम अब भी हमारे दिलों के अंदर है जो पहले था तो कहा कि अच्छी बात है अगर ये है तो ठीक है अगर तुम्हारे दिल भी बदल गए हैं तो याद रखो अल्लाह से डरो फिर इसके बाद एक बली खुतबा दिया सबको जमा करके वो खुतबे में बहुत लंबा खुतबा था लेकिन सबसे अहम बातें ऐसे जाम तौर पर इस्तेमाल किए हजरत उमर अमर रजील् अन्य फरमाया जाबिया के मुकाम पर सबको जमा करके लोगों अपना अंदर दुरुस्त कर लो तुम्हारा बाहर खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा लाख बातों की एक बात है लाख बातों की एक बात बाहर तुम क्या क्या दुरुस्त करते फिरोगे बाहर का मसला छोड़ दो तुम्हारा अंदर दुरुस्त कर लो खुद बखुद तुम्हारा बाहर दुरुस्त हो जाएगा तुम लाख इतर की बाटलें ऊे लो जाहिर ज़ाहिर है वही एक दिल की गंदगी निकाल लो तुम इतर कोई ना लगाओ फिर भी लोग तुम्हारे से खुशबू महसूस करेंगे तुम्हारा अंदर तुम दुरुस्त कर लो तुम्हारा बाहर खुद खुद दुरुस्त हो जाएगा और इसी तरह कहा आखिरत की तैयारी के लिए तुम जिंदगी खपाओ तुम्हारी दुनिया की जिंदगी अल्लाह खुद दुरुस्त कर देगा तुम्हारी आखिरत की जिंदगी के लिए यहां खपाओ दुनिया अल्लाह दुरुस्त कर देगा कौन ऐसा अल्लाह वाला है जो अल्लाह की तरफ पलटा और इसकी दुनिया खराब हो गई बताओ एक मिसाल बताओ पूरी तारीख में एक मिसाल बताओ कि कोई क्या था अल्लाह वाला बना बिजनेस छोड़ा नमाज को आया ऐसा करने से बिजनेस में बर्बाद होके कल्लाश होके भूखा मर गया बताओ मुझे एक मिसाल तो है दुनिया में? बताओ कोई एक बताओ इसके पास बहुत माल था और वो अल्लाह की राह में देने लगा देने लगा यहां तक के मुफलिस कल्लाश होके भूखा मर गया बताओ मुझे ज्यादा खा के मरने वाले दिन में एक मिल सकते हैं तुम्हें वो बताओ जो अल्लाह के लिए भूखा रोजा रखा मर गया बताओ मुझे बताओ है कोई एक मिसाल फिर क्यों नहीं पलट जाते फिर क्यों आखिरत को इख्तियार कर लेते दुनिया मिल ही जाती है लेकिन कितने हैं जो आखिरत को छोड़ते हैं और दुनिया के तलब में जाते हैं ना उन्हें दुनिया मिलती है ना आखिरत मिलती है हजारों बताऊं मैं हजारों मिसालें ऐसी हैं जो दुनिया के लिए मिसमार हुआ जो दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ा दुनिया के लिए मां को बेच देने वाले भी हैं लेकिन हाथ क्या आया ना दुनिया मिली ना आखिर इसको जिंदगी ही मिली किसी ने कत्ल कर दिया मसला ही खत्म हो गया जो रात दिन तड़पता था अपनी ऑफिस बनाने में जो रात दिन तड़पता था अपनी कंपनी बनाने में किसी ने मारा खत्म हो गया मसला ही खत्म क्या बना क्या मिला कुछ नहीं मिला वही आखिरत को पकड़ो दुनिया मिल ही जाएगी दुनिया कहीं नहीं भागती बस तुम जल्दी करके दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हो वरना तो क्या है दुनिया तो मुकदरा है वो तुम्हें मिल ही जाएगी तो फरमाया अपना अंदर दुरुस्त कर लो अपना बाहर आपसे आप दुरुस्त हो जाएगा लोग मुझे यूं बोले यूँ बोलें मुझे शाहाना ठाट बाट चाहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए कुछ मत करो अल्लाह के नज़दीक झुके रहो फिर लोगों को देखो कि किस तरह तुम्हारे आगे आंखें बिछाते हैं कि अल्लाह वाला बंदा है तुम्हारे मिल तुम्हारे पास मिलने में तड़पते हैं किस तरह खुश वुरम अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह तला खुद डाल देता है सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में आके मिलते हैं तुम लाख पैसे देके भी उतनी मोहब्बत नहीं कमा सकते लोगों से अल्लाह से मोहब्बत करो अल्लाह मोहब्बत डालेगा दिलों में अल्लाह इज़्ज़त डालेगा आंखों में तुम समझोगे कि मैं कुछ नहीं हूं अपने अंदर यूं समझो लेकिन देखो लोग तुम्हें बहुत कुछ समझेंगे लेकिन तुम ये समझने लगो कि मुझे सब कुछ समझना है लोग हिकारस्ते थूकेंगे ये तो क्या है जी शान बड़ी शव का खोल के देखे तो क्या भी नहीं कहते वो हालत में रहेगा तो अल्लाह के सुपुर्द करो खुद देखो अल्लाह तबारा को वो ताला तब्दील कर रहा है तुम्हारी हालतों को अपने आप को मनवाने में नगे रहो अपने आप को अल्लाह तबारा को वाले के कुर्ब में रहो लोग तो तुम्हें मानते चले जाएंगे तो फरमाया कि तुम्हारा जाहिर खुद दुरुस्त हो जाएगा तुम्हारा बातिन तुम दुरुस्त कर लो और आखिरत में लगे रहो दुनिया तुम्हारी दुरुस्त हो जाएगी लोगो फिर इसके बाद तुम्हारे लिए राहें खुल जाएंगी ये मोटे मोटे अल्फाज हैं जो उस वक्त हजरत उमर रजी हज़रतमर रजील्ल्ला फरमाया फिर इसके बाद आगे बहुत कम फासला था जहां बैतुल बैतुलमकद को जाना था और वहां से सुलहनामा होना था तो एक पाद्रियों की पूरी जमात तलवारें उठाई हुई आई हजरत उमर से मिलने के लिए जाबिया के मुकाम पर तो सबसे पहले बाज़ लोगों ने तशवीश जाहिर की कि ये क्या है हमला करने के लिए आए हों तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं उन्हें रास्ता दो पहले हम मिल लेते हैं जब मिलने के लिए गए तो मालूम हुआ तो वो तो सिलाह के लिए आए हैं पूछा कि खलीफा कौन है कहा कि मैं ही खलीफा हूँ फिर इसके बाद उन्होंने क्या है ये लिखा कि उमर खलीफतलमुसलिम यह अहद करता है कि अगर तुम बग़ैर किसी हमले के चाबी हमारे हवाले कर दोगे तो तुम्हारी मुहाफजत की जिम्मेदारी हम पर रहेगी अगर तुमने फी कस इतना जजिया देने का अहद कर लिया तो उन्होंने बातचीत तय की तुम्हारे घर तुम पर महफूज़ तुम्हारा माल तुम्हारे लिए महफूज तुम्हारे गिर जाएँ तुम्हारे कलेसएँ तुम पर महफूज हम खुद हिफाजत करेंगे सिर्फ़ तुमसे टैक्स लेंगे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है हम सुलह करते हैं इस बात पर सुलहनामा तैयार हो गया टैक्स उन्होंने अदा किया फिर उन्होंने खुद जाके के बैतुलमकद का दरवाज़ा खोल दिया कि आओ हज़रत उमर हज़रतमर अब्दनखा अबाब रसोल्ला जो साथ में थे ख़ासकर अब्दरहमान बिन औफ़ और इसी तरह क्या हैं अल जर्राह, ख़ालिद वलीद, यजीद बिन अल्लाहु सूफिया इन सब को ले आगे बढ़े और वहाँ पर काब अहबार नामी एक और भी ताबई थे जो कि पहले ईसाई थे बाद में मुसलमान हो गए वो साथ में थे बहुत बड़े ईसाई आलिमों में से थे वो भी साथ में थे उन्होंने पूछा कि अच्छा वो जगह बतलाओ जहां हज़रत दाऊद ने सजदा किया था और ख़ास कर वो साद में वो आयत वही है जो मैंने ख़ुत के शुरू में पढ़ी है एक मरतबा ल तबा और आपको ज़िक्र करता है कि दाऊद क्या है ये फ़ैसला करने के लिए अमूमी तौर पर मकदिस में बैठा करते थे बैतुलमक़दस की भी कुछ तारीख आपके जहने में होगी तो बात समझ आ जाएगी इस वजह से मैं बता देता हूँ कि अल्ला के रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया कि हरम मक्का जो कि हज़रत आदम ने पहले बनाया और इसके बाद असर हज़रत इब्राहिम ने बनाया तो फ़रमाया कि इसके बनाने पर और बैतलमस के बनाने पर कितना फ़ासला है तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फ़रमाया कि चालीस साल चालीस साल फ़ासला है तो मालूम यूँ हुआ कि जैसे यहाँ पर रहते हुए हरम मक्का काबतुल्ला को हज़रत इब्राहीम ने बनाया वापसी पे जब वो अपनी अहलिया और छोटा बेटा इस्माइल को यहाँ छोड़ा था बड़ा इस हाक को वहाँ छोड़ा था कहाँ फ़लस्तीन है तो वहाँ पर वापस पलटे तो उन्होंने ही उसकी भी बुनियाद रखी बैतुलमकद की जो कि चालीस साल के फ़ासिले पर थी दोनों की बुनियाद उसी वक्त पड़ी थी और एक ही हाथों के नाथ लेकिन जैसे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने असर बनाया वैसे ही असरे नौ इसकी शान और शौकत बढ़ाई हज़रत सलैमान ने और ये वाक़ा पूरा कैसर फातिर के अंदर मौजूद है कि किस तरह उन्होंने जिन्नों के हाथों काम लेकर उसको बेहतरीन शक्ल दी और वहीं पर उन्होंने वहाँ बैठने के लिए उनकी कुर्सी भी होती थी और फैसले भी वहीं होते थे तो ऐसे ही एक मरतबा वो महराब में बैठे हुए थे कि दो शख्स बंद महराब था कि दो शख्स क्या हैं वहाँ से बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गए वो डर गए थे इस तसवर महराब इस दखल दाऊत फफज आमिन हूँ वो डर गए जब उन्होंने अचानक अपने सामने खड़े हुए लोगों को देखा उन्होंने कहा कालू तखफ देखो दाऊद अली सलाम आप मत डरिए, हम क्या हैं आपको मारने के लिए नहीं आए हैं असल में एक मसला है जिसको लेके हम आए हैं क्या है इन्ना हादा अखी। ये मेरा भाई है लहू तू तनाजा वली ना जाह वनी फिलखा असल में ये मेरा भाई है जिसको निन्नानवे दुमबिया हैं मेरे पास सिर्फ एक दुमबी है यानी एक बकरी मेरे पास है इसके पास नवत पर नौ बकरियां हैं और यह दरअसल वो बकरी भी ले लेना चाहता है उसके लिए भी दबाव डाल रहा है तो ये बात जब हजरत दाऊद सलाम को पहुंचाई गई तो दाऊद ने कहा बड़ा जुल्म कर रहा है तेरा भाई उसको तो क्या है निन्यानवे हैं फिर भी वो क्या है तेरी एक पर भी नजर रखे हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही जालिम लोग जब भी क्या है करते हैं तो जुल्म में हद से बढ़ जाते हैं फिर इसके बाद वो लोग इस फ़ैसले को मान के वापस गए तो अल्लाह कहता है कि हज़रत दाऊद को ये बात जहन में आई कि ये असल में मेरे ही लिए एक आजमाइश की घड़ी थी अल्लाह ने कोई बात इनके ज़रिए मुझे खुद सिखाई है फिर उन्होंने क्या है वहीं पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मैं जुल्म नहीं करता पता नहीं पीछे क्या बात थी अल्लाह ने जिक्र नहीं की और हम भी जिक्र इस बारे में बहुत से क़स्से और भी हैं जो कि क्या है कोई भी क्या है काबिल सनद नहीं है इस वजह से हम नहीं जिक्र करते तो ये सोच के कि अल्लाह ने मुझे क्या है इन मेरी नसीहत के लिए इन लोगों को भेजा है ये कह के उन्होंने सजदा किया तो उस मुकाम को हजरत उमर ने कब अखबार से पूछा वो कहाँ है तो वो ख़ास जगह बताई गई कि यहाँ पर है जो हज़रत दाऊद ने सजदा किया था तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पर दो रक़त शुक्राने की नफिल नफाज पढ़ी फिर इसके बाद दूसरे दिन फजर की नमाज़ भी वहीं पर पढ़ी और फजर की नमाज़ में यही सुरस्त की आयतें पढ़ी जो मैंने अभी पढ़ी हैं पहली रकात में पढ़ी और सजदा किया फिर दूसरी रकात में बनी इसराइल की आयतें पढ़ी फिर इसके बाद दोनों रकात मुकम्मल किए फिर इसके बाद वहाँ फिर के देखे और पूछा कि मैं मस्जिद कहाँ बनवाऊँ तो वो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर क्या है बहुत सी गंदगी पड़ी हुई थी बहुत सी गंदगी पड़ी हुई थी और यह गंदगी वहाँ के रूमियों ने डाल रखी थी हती कि इतनी गंदगी बढ़ चुकी थी कि वो महराब के दाऊद के जो महराब हैं जहाँ उन्होंने सजदा किया वहाँ तक वो गंदगी पड़ी हुई थी उन्होंने पूछा हजरत उमर अच्छा अच्छा ने ये क्या बात है कहा कि ये रूमी हैं जो कि उनके लिहाज से यहूदियों को सताने के लिए वो डालते हैं क्योंकि उनके यहूदियों के एतक़ात के मुताबिक ये बहुत मुक़दस जगह है तो उन्होंने उसको बर्बादी के लिए यहूदियों को जलाने के लिए यहां पर गंदी गंदी चीजें फेंकती हैं जिससे ढेर सा कायम हो गया है इसके बदले में यहूदी इसके बदले में यहूदी जो हजरत ईसा के लिए सूली पर चढ़ा था शक्ल बदल गई थी वो कमामा कहते थे उस जगह को वहां पर उसके बदले में वो गंदगी डालते थे वो गंदगी क्योंकि इनके लिहाज से वो सबसे मुकदस शख्स था ईसाइयों के लिहाज से तो यहूदी वहां पर कचरा डालते थे तो मुकाबले में ये लोग इन पे कचरा डालते थे कौन दोनों किताब वाले थे बहुमयतलून अल किताब दोनों के पास किताब थी इनके पास तौरात थी उनके पास इंजील थी दोनों किताब वाले थे लेकिन ऐसे ही फिरकों में बटके लड़ रहे थे जिस तरह आज हमारे क्या है कुरान और अल्लाह को मानने वाले रसूल को मानने वाले एक दूसरे पे कचरा डालने पे तुले हुए है नहीं बात सही है कोई वहां भी मस्जिद जाए तो मस्जिद को धोया जाता है है ना बहुत से मजाजन में लिखा हुआ है यहां पर क्या है फलां जमात के लोग नमाज पढ़ना मना तेरी जागीर है मस्जिद नहीं लगी जागीर है तू तो कौन होता लिखने वाला अल्लाह पूछता है कि मना मसाजिद अल्लाह उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के बंदे को मस्जिद से रोके बहुत बड़ा जुल्म है उससे बढ़कर कोई जालिम नहीं है जो किसी आने वाले मस्जिद में नमाजी को या कोई भी मस्जिद में आने वाले को यह लिखे कि तू नहीं दाखिल हो सकता मस्जिद में इससे बड़ा जालिम कोई और नहीं है लेकिन हम अपनी फ़िरकों में बैठ के क्या करते हैं यह बात मामूली समझते हैं बोर्ड पर लिखा बाकायदा यूं नहीं आना चाहिए यह फला की मस्जिद है अरे मस्जिद तो अल्लाह की है किसी फ़िरके की कभी नहीं होती मस्जिद मस्जिद सब अल्लाह के व अन्नल मसाजिद फ़ला तदउ मा अल्लाह अहदा तमाम की तमाम मस्जिदें अल्लाह की हैं। अगर कोई कहता है कि मेरी ये तो मस्जिद ही नहीं हुई, मस्जिद ही तभी बनती है जब वो अल्लाह की होती है हाँ कोई अपने नाम पर रखता है तो वो मस्जिद नहीं होती तो मस्जिद तो अल्लाह की है यही मामला था जो यहूद नसारा में हुआ वही कुछ आज हम कर रहे हैं ये लोग बैतुलमकद में कचरा डालते थे और वो फलस्तीन में कचरा डालता था ामा के अंदर हमामा का मतलब यह कचरा थोड़ा करकट दोनों के मुकाबले में दोनों मुकद्दस जगहें थी दोनों में क्या है एक किताब को मानने वाले थे लेकिन था फसाद फिरकों का जिसकी वजह से ये बर्बाद हुए यही फिरकों की चीज हमारे अंदर आई तो हम बर्बाद हो रहे हैं तो खुद हजरत उमर इससे सबसे पहले फैसला उठाया कि यहां का पूरा कचरा साफ होना चाहिए फिर इसके बाद उन्होंने अपनी जगह एक जगह इशारा किया कि यहाँ मस्जिद बनाई जाए और वो आज तक मौजूद है मस्जिद उमर के नाम से आज तक मौजूद है मस्जिद उमर के नाम से जहाँ पर खुद उन्होंने क्या है जगह बनवाई और उसके बाद वहाँ पर मस्जिद तामीर करने का काम किया और पहला कचरा खुद अपने दामन में उठाया ताकि लोग आगे बढ़ें पहली चीज़ खुद अपने आप आगे बढ़ के की कहा कि यहाँ कचरा साफ़ होना चाहिए फिर इसके बाद खुद अपने दामन में वो कचरा उठाया और बहुत दूर ले जाके दूसरी जगह मुंतकल किया तो तमाम लोग जो भी साथ में थे सब वो काम करने लगे फिर इसके बाद बाकायदा मुआवजा देकर वहां का पूरा कचरा साफ किया गया और पूरे नए सरे से फिर मस्जिद को क्या है सजाया गया और कई दिन उसके अंदर रहे और अजीब और गरीब वाकियात भी हो। एक वाकये में बताता हूं देखिए बैतुलमक जब फतह हुआ चाबियां आ गई हजरत उमर फिर के देख रहे थे तो एक गरजा भी था साथ में वहां का भी मुआयना किया रिवायतों में आता है कि ऐसे ही में नमाज का वक्त हो गया खुद पादरी ने आगे बढ़ के कहा कि आपकी नमाज हमको बताए वक्त बताए और वक्त बहुत दूर निकल जाएगा आप निकल के नमाज की जगह तक पहुंचेंगे तो मैं खुद इजाजत देता हूं कि आप यहीं गिरजे में कोने में नमाज पढ़ लीजिए कोई मसला नहीं हजरत उमर ने कहा मसला कोई नहीं है मैं पढ़ ले सकता हूं लेकिन बात के आने वाले मुसलमान कहीं ये ना कहने लगे कि उमर ने यहां नमाज पढ़ाई है इस वजह से गिरजा हमारे हाथ में दो और आपसे छीन लेंगे इस वजह से मैं यहां नहीं पढ़ता मैं बाहर निकल के पढ़ूंगा इंसाफ का, का यह नमूना देखो हाँ हालांकि हाकिम है मफतूह नहीं फातह बन के आए हैं जो चाहते जब चाहते जितने जाए कितने चर्चें सब गिरा सकते थे जो लोग हमारे लिए बांधते हैं कि हमने क्या है मंदिरें तोड़ दी हमने ये किया हमने वो किया हम जुल्म करते हैं कहाँ कौन सी तारीख में तुम्हारी अपनी तारीख में बताओ सच्ची तारीख ला के कभी हमने हमने तो मुहाफ़ज़त के लिए जिम्मेदारियाँ कबूल की हमने तो उन्हें साफ करके दिया हमने तो उनके उनके मुकद्दस जगहें उन उनके अंडर में रहने दी हत्ता के खुद वहां का रहने वाला ये कहा कि आप नमाज पढ़ लें तो हजरत उमर ने कहा कि कल को यही दलील मिल जाएगी और लोग कहीं तुम्हारे से घर जाना छीन लें नहीं ये नहीं हो सकता कि मैं बाहर निकल के नमाज अदा करूँगा उनके हाथों में रहने दी हालांकि फातह होने के बावजूद जो वादा हुआ था उसी वादे पर कायम रहे किसी एक को नहीं मारा किसी एक से माल छीना नहीं गया हालांकि आप क्या समझते हैं एक छोटा मोटा कोई मजहबी इदारा बना लीजिए कोई एक मंदिर उठा लीजिए उसके अंदर करोड़ों का सोना होता है ये तो सदियों से मकदिस कितना बड़ा खजाना हुआ होगा नहीं छेड़ा पादरियों के पास किसी चर्च से नहीं मांगा तुम्हारे अंदर क्या है नहीं पूछा उन उनके जो जो खजाने थे उन्हीं के हवाले किए वही हिफाजत करने वाले उल्टा खुद हिफाजत करने की जिम्मेदारी लिए क्योंकि तुम टैक्स करते हो और इसी तरह में वाक़ अबिन कसर ने खुद लिखा है कि हजरत हज़रतमर अपनी जवानी में यहाँ आ चुके थे कई मरतबा बिजनेस के लिहाज से एक मरतबा कहते हैं कि बिजनेस के लिहाज से मैं यहाँ आया था जो कि क्या है इसी के करीब दिमश के करीब का कोई इलाका था जहाँ पर मुझे काफ़िले के साथ आना हुआ और जब बाहर मैं वापस निकल के जा रहा था तो काफ़िला चला गया मैं अकेला हो गया जब मैं अकेला हो गया तो सोच रहा था कि क्या करूं कि इतने में मैं देखता हूं कि एक शख्स क्या है जर्नेल टाइप इंसान आया और मुझे क्या है सर से पकड़ के बांध के ले गया और अपने घर अंदर दाखिल किया और मुझे क्या है एक बेल्चा दिया जिससे क्या ज़मीन खोदी जाती है और कहा कि मैं जब तक वापस ना आऊँ तुम खोद के रखो ज़मीन मैं बाहर जा के आ रहा हूँ और मुझे लॉक करके चला गया अब मेरे अंदर तो ये बात नहीं थी कि मैं किसी के अंडर में उम्र उम्र होता है उमर उमर होता है ना जी तो उन्होंने क्या किया कि बेलचापेका वहीं बैठ गए जब वो नहीं आया बहुत देर तक तो वो खामोश बड़े सोच रहे थे यहाँ तक कि जहर गुजर गई दोपहर का वक्त गुजर गया शाम के वक्त वो वापस आया तो जूं का तुम वैसे ही रखा हुआ था उसने पूछा कि क्या बात है मैंने कहा नहीं कि तुम्हें खोद के रखना है हजा तो उमर ने कहा कि मैं इतना गुलाम हूँ कि मैं खोद के रखूँ तू मुझे पकड़ के क्यों लाया है अब इसी में क्या हाथापाई हुई वो किसी न किसी तरह बच के निकल के भागे और वो कहते हैं कि जब मैं भागा था तो बहुत दूर भागने के बाद एक गिरजा था एक चर्च था जिसके दामन में मैं बैठ गया था ये बहुत पहले का वाक़ उनकी जवानी का वाक़ मैं वहाँ बैठ गया था तो थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि वहाँ का जो पोप है राहिब है वो सीढ़ियाँ उतर के आ रहा है मेरी तरफ़ और वो आया कहा कि ज़रा अपना चेहरा दिखाओ मैंने चेहरा दिखाया तो वो इधर उधर ढूंढ ढूंढ के मुझे कुछ देखने लगा फिर इसके बाद कहा कि एक जमाना ऐसा है कि तुम्हारे हाथों में ये पूरी जगह तुम्हारे हाथों में होगी अब मैं उससे ज्यादा परेशान होने इसको क्या होगा बैठे बैठे मैं मैं ही फंसा हुआ हूँ पहले ही मुझे एक आदमी ले जाके बांध के रखा है सुबह से भूखा हूँ उसने कहा कि कोई फ़िक्र ना करो आओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ वो अच्छा नाश्ता दिया अच्छा खाना दिया मैं खा लिया पी लिया और उसके बाद कहा कि मेरे जो भी साथी थे वो सब के सब छूट गए हैं अब मैं अकेला हूँ तो उसने अपनी गदी पेश की और कहा कि इस गदी पर जाओ जितना दूर हो सकता है काफ़िले को मिलने के लिए उतना दूर तुम जाओ और काफ़िले वालों के साथ मिल लो फिर इसके बाद उस गदी को सिर्फ टर्न करके कहना कि निकल तो वो सीधे मेरे गर्जे में आ जाएगी क्योंकि उसको मालूम है रास्ता कि वो कहां आना है वो आ जाएगी अकेले ही तुमको जहां तक इस्तेमाल करना है तुम करके छोड़ दो मैंने पूछा कि अच्छी बात है मैं तो निकल रहा हूं तो नहीं, 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 मैं इतना काम तुम्हारा किया ना तुम मेरा भी एक काम करके जाना पूछा कि अब मैं क्या काम करूं देखो तुम मुझे लिख के दो कि जब तुम अमीर बन के आओगे तो ये गर्जा मुझे दे दोगे कि क्या पागलपन की बात है मैं भी पहले ही फंसा हुआ हूँ मैं अपने काम में हूँ तो कहाँ की बातें कर रहा है कि मैं यहाँ का हाकिम बन के आऊँगा और जब आऊँगा तो तब मैं उस तुझे क्या है अमान की बात अभी लिख के दे दूँ उसने कहा कि देखो तुम्हारे पास कुछ है नहीं है लिख के देने में क्या परेशानी है तुम्हें लिख के दे दो ना मैं तो सिर्फ इतना ही तो पूछता हूँ कि तुम जब यहाँ आओगे तो ये लिख दो कि गिरजा तुम्हारी है अमान दे दोगे तुम ये लिख के मुझे देना है है तो तुम्हारे तो पास कुछ नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही मांग रहा हूं हजरत उमर कहते हैं कि मैं इससे जान छिड़ाने के लिए क्या किया कि अच्छा खैर जो मांगता है उन्होंने लिख के दे दिया अब इस वाक्य में जब फलस्तीन फता हुआ और उसके बाद वो वहां रह रहे थे तो वो बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आया हजरत उमर के पास कहा कि उमर फारूक मैं पहले भी मिल चुका हूं तुमसे मैं कौन हूं पता है हजरत उम्र हक्का वक्का रह गए कौन है भाई कौन इतने साल पहले याद रखेगा तकरीबन चालीस साल गुजर चुके होंगे नौजवानी का वाक़ अब उम्र ही क्या है तकरीबन पचपन के दायरे में थे साठ के दायरे में थे उन्होंने पूछा कौन है भाई तो वो पुरजा उठा के निकाल के बतलाया देखो तुमने क्या है मुझे अमान दी थी मैं पहले ही किताबों में लिखा हुआ पढ़ के तुम्हारी सूरत पहचान चुका था इसी वजह से उसने भी तुम्हें मारने की कोशिश के लिए जाके वो यहूदी था वो जान चुका था कि ये उम्र है इसी वजह से उसने ले जाके बंद किया था लेकिन उससे ज्यादा मैं पड़ा हुआ हूं मैं जान चुका था कि तुम जिंदा भी रहोगे तुम वापस भी आओगे और तुम हाकिम बन के भी आओगे इसी वजह से मैंने लिख के लिया ये बात साबित हो गई इसीलिए अल्लाह तबारा को वाले कहता है सहाबा की मिसालें और निशानियां हमने कुरान में नहीं तौरा इंजील में भी बयान किए जारी का मसलूह फिर तवराती वील ये अल्लाह के रसूल की सिर्फ निशानियाँ किताब में नहीं लिखी हुई थी अबू बकर का हुलिया इंजील में था तौरात में था उमर का हुलिया इंजील में था तौरात में था इसी से ये लोग पहचानते जिनकी शान और जिनकी निशानियां कुरान में नहीं तौरात इन में हो बाद में आने वाले बदबक़्त कहें कि ये लोग गाजिब हैं ये लोग फलाँ हैं ये लोग दुनियादार हैं तो कितने बड़े बदतरीन बदबकत हैं जिन्होंने पहले किताब वालों को भी नहीं माना कुरान को भी नहीं माना बाद के आने वालों की हिस्ट्री को भी नहीं माना कितने बड़े बदबकत होंगे जो सहाबा को गाली देते हैं जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं जो सहाबा की तनखीज़ करते हैं नहीं याद रखिए ये वो शान वाले बंदे हैं जैसे नबी का इंतकाब हुआ वैसे ही नबी के सहाबा का इंतकाब हुआ कि कौन बनना है अगर ऐसा ना होता तो हम तुम बन जाते ना और अल्लाह के रसूल कोई फतःह के लिए कहते कि जाओ तो हम कहते नहीं पेट में दर्द है अल्लाह के रसूल कैसे जाऊं तांग पहले से ही टूट रही है हम कैसे जाएं अगर वलो बिल्फ हम फैजा हो जाते ना कोई जंग ही नहीं होती कोई मसला ही सॉल्व नहीं होता हमेशा तो हमारे पास उजुर तो जो रहते हैं ना वो तो वो साहब थे रात में हुक्म दें या दिन में हुक्म दें वो कुछ नहीं देखते थे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की इतात में भागते थे तो वो जब लेके आया वो पुरजा लेके आया तो अब तो सही में हजरत उमर घबरा गए उन्होंने कहा कि लाली उमर वाली ला अरे भाई ये फतेह जो हुई न मेरे बाप की जागीर है न मेरे बेटे की कि मैं तुझे लिख को दे दूँ मुझे क्या पता था कि तू लेके आ जाएगा ये लिख ये तो मुसलमानों की फताह है ये मेरी थोड़ी जाकिर है कि मैं अलग से लिख के दे दूं तेरे लिए उन्होंने कहा कि पास व लिहाज तो करना वादे का तुमने थी लिख के दिया है उन्होंने कहा कि बात पहले समझ में समझाई नहीं था तो क्या पूछ रहा है उस वक्त वो तो तीस साल चालीस साल पहले का वाकया था फिर इसके बाद मशवरा किया पूरे साहबा का इतफाक हुआ कि गिरजाओं को तो हम पहले ही अमान दिए हुए हैं ये कौन सी नई बात पूछ रहा है ये तो गिरजा का अमान पूछ रहा है ये तो खुद दिए हुए हैं तो हजरत उमर ने कहा अच्छी बात है तुम लोग इजाजत देते हो तो मैं खुद लिख के दे देता हूँ वही चीज़ अब भी कायम है उमर बताता है तेरे लिए कि तेरी गिरजा अमान में लेकिन एक शर्त पर अब बूढ़े ने पूछा कि क्या शर्त है शर्त यह है कि कोई भी मुसलमान वहाँ से गुजरे तो उसको खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर देना कोई आके सवाल ही ये पूछे कि रास्ता किधर जाना है तो रास्ता बता देना उसने कहा कि ये दो काम मैं पहले ही से कर रहा हूँ अब कहते हैं तो और भी करूँगा तो ये कह के वो अमान ले वापस गया है कितना है लेकिन ये चीज हमें क्या बतलाती है इंसाफ़ का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया अल्लाह तबारक व सल्तनतों के सल्तनत हजरत उमर के कब्जे में देता गया और इससे ना वो फूले इससे ना वो बिगड़े इससे ना वो जालिम बने इससे ना वो लोगों पर क्या है हाकिम बन के हुरान की तरह क्या है एक डिक्टेटर की तरह उन पर हुक्म चलाने लगे नहीं वही अज्ज़ वही इनके सारी वही लोगों के लिए तड़प वही दर्द मंदी ये वो चीजें थी दरअसल जिसके लिए वो खुद आके दरवाजे खोल खोल के बुला लिया करते थे ओ ओ ओ अब यहां से फिर अब वो सिलसिला चला है तो अब हम देखते हैं कि इधर का मसला जो सबसे टॉपेस्ट था तकदीस के एतबार से जगह बैतुलमश पता हो गया उधर ईरानियों का जो टब से सबसे ज्यादा टॉपेस्ट था मदायन वो फता हो गया लेकिन इन दोनों के जो बड़े बड़े बादशाह थे वो अभी अंडर में नहीं आए थे हिराकुल कहीं इधर भाग भाग के छुप रहा था इधर इस जर्द भाग भाग के छुप रहा था अभी ये दोनों जिंदा थे ये दूसरे छोटे छोटे जो ममालिक वहां जा जा के छुप रहे थे तो जब तक ये लोग कंट्रोल में नहीं आते तो वो पूरा रूम का इलाका सही वो पूरा इसी तरह ईरान का इलाका सही तभी अंडर में आता तो ये काम जारी वो सारी था लेकिन दो बड़े बड़े ऐसे वाकियात के एक तरफ यहां मदाइन और एक तरफ यहां अल्लाह तबारक ने मकदिस दे दिया लेकिन आज वो हालत क्या है वही मकदिस है जो हमें पुकार रही है हम सो रहे हैं मस्जिद अक्सा रोती है क्यों ये तबाही होती है उम्मत मुस्लिम सोती है इस वजह से होती है आज उम्मत मुस्लिम सो रही है ये वो जो उमर ने इनसे छुड़वाया ये हमारा किबले अव्वल था इसमें हमारी शान थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में यहीं से निकले थे इसरा का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे वादा किया कि ये सब पूरा इलाका बरकतों वाला है सुबह असरा बब्दी मस्जिदी मस्जिद बारकना है मेरी बरकतें हैं हजरत उमर के हाथों फताह हुआ तो उमर के साथ पूरी जिंदगी हमारे साथ रहा यहाँ तक कि फिर हम ऐशो इशरत में पड़ गए तो अल्लाह ने हमसे छीन लिया फिर एक अयूबी आया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नौजवानी में अहद किए थे बैतुलमकद को छुड़ाऊंगा फिर उन्होंने अपने सब कुछ कुर्बान किया फिर बैतुलमस को यहूदियों से छुड़ाया फिर इसके बाद तकरीबन 200 साल 300 साल तक मुसलमानों के हाथों में रहा फिर चला गया फिर इसके बाद जो गया ना अभी तक नहीं आया है अभी तक रो ही रहा है कबल अव्वल और ख़ुद वहाँ के जो बादश बाशिंदे हैं जो सिटीजन हैं जो आबाई तौर पर बसने वाले हैं उन सबको धोखा दे दे के उनकी जमीनें ली गई ज़रा तारीख पढ़ जाओ 1947 में क्या हुआ था ये भी वही तारीख है जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इन लोगों की भी 50-60 साल की तारीख है इन लोगों ने धोखा दे दे के फ़लस्तनीों से ले लिया और फिर इसके बाद जिनको इन्होंने पनाहे दी थी वो ख़ुद इन पर काबिज़ हो गए और उनको मारने लगे आज क्या है ना बच्चा देखते हैं ना औरत देखते हैं ना हामिला देखते हैं टैंक बरसा देते हैं इलाक़े के इलाक़े सफाचट मैदान कर देते हैं किसी को मालूम भी नहीं होता वही बैतुलम जो उमर ने फतेह किया था लेकिन आज क्या है वहाँ रहने के लिए पनाह नहीं है मुसलमानों को सब कुछ तैयारी हो चुकी है देखने का कुछ और है जो गुम्बत अभी नज़र आता है वो कुछ और है गुम्बत के पीछे है असल जहाँ सखरा कहते हैं वो वहीं वहाँ पर है वो नज़र ही नहीं आता और वहाँ पर वही सिस्टम चला हुआ है जो कि हजरत उमर से पहले था घोड़ा करकट कचरा फेंक के गंदगी डाल के मुसलमानों को मार के वहाँ हालत सिर्फ़ एक क्या है विजिटर की हैसियत से कोई जाके देख सकता है बस सयाह के तौर पे कोई जा सकता है बस उसके अलावा तो वहाँ पर पंच वक्ता नमाज़ें एक एरिए में होती हैं बकिया वहाँ कोई अमान नहीं है मुसलमानों जब चाहे दिन झाड़े भी टैंक बरसा दो तो कोई पूछने वाला नहीं है रातों रात महल्ले का सफाया कर दो तभी तो कोई पूछने वाला नहीं है ये हालत आज हमारे ऊपर गुजर रही है लेकिन कोई सलाहुद्दीन नहीं है जो आने वाला है पूरी उम्मत सलाहुद्दीन का इंतजार कर रही है कि और कोई है आगे भी सलाहुद्दीन लेकिन वो माएँ ही नहीं बन सकी जो सलाहुद्दीन को पैदा कर तो वह आएगा कहाँ से हमारी माएँ ही दीन छोड़ चुकी हैं हमारी माएँ बिगड़ चुकी हैं फिर उनके गोदों में पलने वाले बच्चे कहाँ से बहादुर बन सकेंगे उनके गोदों में पलने वाले बच्चे कहाँ से क्या ईमानदार बन सकेंगे उस जमाने में हम सुनते थे कि माएँ दूध पिलाती थी तो बावजू हो के पिलाती थी बिस्मिल्लाह बोल के छाती देती थी मुंह में बच्चे के आज तो माइन टीवी देखती हुई पिलाती हैं पिक्चर देखती हुई पिलाती हैं या व्हाट्सअप पे मजाक करते हुए पिलाती हैं तो वो बच्चे कहाँ पैदा होंगे जो खालिद इब्नलवलीद हो सकते हैं जो सलाहुद्दीन है हो सकते हैं वो कहाँ होंगे पहले तो पिलाने वाले माये ही कम है वो तो अपने फैशन पे मर मिटने वाली यहां हैं कि उनका डेल डोल खराब हो जाएगा उनका जिसम का क्या है स्लिमनेस खराब हो जाएगा तो पूरे डब्बे के दूध से पैदा होने वाले और बनने वाले बच्चों को क्या मिलेगा लैक्टोजन पीने वालों को लैक्टोजन का दिया हुआ तो मिलेगा ना जो कंपनी लेक्ट्रोजन बनाती है तो वही तो मिलेगा वही जहनीयत तो बनेगी आज पूरी साइंस की तरक्की के बाद भी मानना पड़ रहा है बड़े खुल के मानना पड़ रहा है डब्बे के दूध से पलने वाले बच्चों के अंदर कई ऐसे हैं जो कि दायमी तौर पर मरस का शिकार हो सकते हैं और मरीज़ बन सकते हैं आज पूरी साइंस चीख चीख के कहती है अमेरिका के औरतों को अल्लाह के लिए बस करो तुम खुद अपनी बेटों को अपने औलाद को दूध पिलाओ ये सबसे बेहतर रेमिडी है इसके अंदर जितने कुछ भी ताकतवर चीज़ें हैं वो किसी और में नहीं है कई कई मुल्क ऐसे हैं कि जो ये बच्चा पैदा करती है और ख़ुद दूध पिलाती है तो उसके लिए कई कई रियायतें हैं और हुकूमत उसको कई डॉलर पे करती है लेकिन तैयार नहीं है कोई माँ पिलाने के लिए ये ज़माना क्यों आया तरक्की के नाम पे अंधी तकलीद करोगे तो यही होगा और हमारे माशरे में भी वो दिन दूर नहीं कि जो अंधाधुन हमारी जो करवटें बदल रहे हैं मुआरे में अंधाधुन जो हम भाग रहे हैं याद रखिए है हमारे अंदर भी फिर ढूंढने से नहीं मिलेगा ढूंढने से नहीं मिलेगा अरे हमारी तो हर एक चीज बदलती जा रही है उस जमाने में बेजोड़ शादियां देखो ये काला कलविट होगा उधर देखे तो हूर परी खड़ी होगी और हो गया होगा पच्चीस साल शादी हो के बच्चे भी हो गए होंगे फिर भी वो क्या है मासूमियत के साथ अपने शोहर के अंदर जिंदगी गुजारते हुए खुश खुश रहती है कि मेरा शोहर फला तब आज क्या है खूबसूरत लड़का खूबसूरत लड़की एक साल होता नहीं खाजे साहब के पास खुला होना नहीं तो तलाक होना की मां मुझे पसंद नहीं बस क्या मां पसंद नहीं मैं पसंद उसे मेरी चीज उसे सेट नहीं होती मुझे सेट नहीं होती अलग कर दू हमें कावना जब कर लेते फिर निप के जाने का कोई तस्वीर नहीं तलाखे है लाखों तलाकें होती हैं उस जमाने की ऐसी मासूम औरतें थी कि कैसे कैसे शराबी कबाबी लोगों से भी जिंदगी गुजार दिया और घर को बचा लिया रोज मार खाती थी रोज शोर की तारीफ करती थी हमने आंखों से देखा है ऐसे घर को लेकिन आज क्या है थोड़ा सा मिसअरस्टैंडिंग हो जाए थोड़ी सी है? रात की आइसक्रीम नहीं मिली तो तलाक फास्ट फूड नहीं आया तो तलाक इनके पसंद का शर्ट नहीं पहना कहते उन्हें तलाक इसकी फेवरेट पार्टी में औरत की मर्द शेट उसकी पसंद का पहनना कहते नहीं पहना तो वहां से लड़े मेरे दोस्त सहेला सब बोलते क्या ये दीवाने की सरकार तुम्हारा शोहर मैं बुलाल जाती नहीं तुम ना वाह हो रहा है मजाक नहीं है सुनता हूं मुझे मुझे सुनाते हैं लोग तो तब कहता हूं फिर हमारे अंदर कौन उठेगा अच्छा तो याद रखिए माओ का बड़ा किरदार है आज एक मस्जिद नहीं कई मसाजिद रो रहे हैं या तो पढ़ने वाले नमाजी नहीं है या तो देखभाल करने वाली उम्मत नहीं है ये शानदार मस्जिदें बनाने का क्या फ़ायदा है जो मस्जिदें क्या हैं नमाजियों से खाली है तो बैतुलमकद की फतः याद रखो मुसलमानों अल्लाह तबारक तआला ने खुद बुला के दिया खलीफे को लेकिन हमने पामाल कर दिया तो आज क्या है वहाँ अमन भी नहीं सुकून भी नहीं, नहीं रहना है और यही हालतें जहाँ जहाँ मुसलमान हैं हो रही है कब तक सहते रहेंगे कब तक बैठे रहेंगे कब तक मुँह देखते रहेंगे कुछ कार्रवाई भी तो करो ना सोचो ये क्या जिंदगी है क्या जिंदगी हजरत उमर ही का एक मिसरा याद आ रहा है उन्होंने कहा देखो कभी तनहा ना रहना तनहा जो होता है उसके साथ शैतान शैतान बहुत जल्द आ जाता है दो आदमी जम उन जाते हैं तो शैतान बहुत दूर हो जाता है आज हमारा सबसे बड़ा मसला ही क्या है हम तन्हा रहना चाहते हैं बिलजमा मिलना नहीं चाहते आज इतनी बड़ी जमात बैठी हुई है अभी ऐलान कर दूं कि भाई सब मिल के मुतफाक करके हम काम करेंगे तो कोई नहीं आएगा कोई नहीं आता मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है इसीलिए हजरत उम्र कहते थे कि अकेला शैतान उसके साथ है दो के साथ शैतान बहुत दूर होता है मिल के रहो जमात में रहो हमारे सिर्फ चंद महल्ले के मसाजिद मिल जाए ना बहुत बड़ी जमात तैयार हो जाएगी हम मिलते नहीं हम मानते नहीं किसी की किसी के अंडर में काम नहीं करते तो याद रखो हम ना कुछ अपने लिए अच्छा कर सकते हैं ना अपनी नस्लों को दे सकते हैं हालाबिल्ल तौफ़ी सल्ला वाल नबीना महमदील वल्लिसमसलिन फस्तफ़िरफ़ुर